दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर होमियोजी। आज यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में वो बीमारी के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, जिसके कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि इससे कैसे जूझा जाए और इसको कैसे इससे मतलब कि इस बीमारी को रिमूव किया जा सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें हमारे वीडियो को, और सबसे ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं और वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों ये कोई अदर चैनल तो है नहीं कि कोई बात मैं बता रहा हूँ आप अगर भगा के देख लोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसमें मैं मेडिसिन और उसके लक्षण के और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो कैसे उससे निजात मिल सकता है रोग में। तो आप इसे जरूर लास्ट तक देखें और एक एक वर्ड को ध्यान से समझें और अपने अपने आप को घर पे बैठे अपने आप इलाज करें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है मैं अब उस पर आता हूं। आप देखते होंगे दोस्तों कि ज्यादातर समाज में और या अपने घर में किसी को आप देखते होंगे कि शरीर पर कुछ मस्से निकल आते हैं शरीर और चेहरे पर, और उससे कैसे निजात पा सकते हैं, यानी उसको कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है हमें समझ नहीं आता है। कहीं देहात में या कहीं कोई ये बताता है कि आप उस पर चूना लगाओ जिससे कि वो झड़ जाएगा, कहीं आप उसको ये बोला जाता है कि आप इसको काट के हटा दो ब्लेड से या कहीं से तो निकल जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्त। कुछ देर के लिए तो दिन के लिए तो दब जाता है, लेकिन फिर वहां से कुछ दिन के बाद देखते होंगे कि वो मस्सा निकल आता है। तो इसका एक ही इलाज है दोस्तों कि आप इसे होम्योपैथ के थ्रू ठीक करें, होम्योपैथ इस पर अच्छा काम करता है। तो चलिए आज मैं उस मेडिसिन के बारे में इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका कि आप यूज करके इस बीमारी से जल्द आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला मेडिसिन जो है वह है थूजा। थूजा 30 को आप इस्तेमाल कीजिए, दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। और इसका जो मुख्य सिम्टम है दोस्तों, इसमें जो शरीर पर जो या कहीं पर जो हथेली या हाथ में या कहीं बाह में या शरीर में हमारे कहीं पर भी जो मस्सा रहता है वो फुलगोभी के शक्ल में रहता है, यानी कि वो मस्सा कटा कटा सा रहता है, चारों तरफ वो कटा कटा सा रहता है, हल्का सा ऐसे फूला हुआ और फटा फटा सा रहता है वो मस्सा। उस हालत में थूजा बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। थूजा 30 आप यूज करो, दिन में 3 बार आप 4 बूंद जीभ पर लो और थूजा क्यू आप लगाओ उस मस्से पर, मस्सा बहुत जल्द ही झड़ जाएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो बहुत कम लोग जानते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एज अपॉन सिम्टम, क्योंकि सिम्टम कैसा है ये उस पर ही डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो कॉस्टकम है 30। कॉस्टकम 30 आप यूज करो, वैसे ही दिन में 3 से 4 बार यूज करो, 4 बूंद आप लो डायरेक्ट जीभ पर, और इससे क्या होगा दोस्तों कि इसका जो मुख्य सिम्टम होता है इसमें आप देखोगे कि वो मस्सा जो है अधिकांशतः इस तरह का मस्सा चेहरे पर हमारे निकलता है, इसमें मस्सा नुकीला नुकीला होता है और कहीं चारों तरफ से जुड़ा हुआ होता है, वो कहीं से फटा फटा नहीं होता है बल्कि मस्सा नरम होता है नुकीला होता है। तो ये ज्यादातर हमारे चेहरे पर निकलता है और इसमें कॉस्टिकम 30 आप यूज करो और थूजा क्यू आप लगाओ उस पर। तो ये चेहरे का जो मस्सा है इससे बहुत जल्दी हम लोगों को निजात मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे जो चेहरे होते हैं वो कहा जाता है कि चेहरा ही 4 चांद है, और खास करके अगर गर्ल्स है होती है हमारी घर में कोई वुमेन होती है तो उनका अगर चेहरे पर मस्सा निकल आता है दोस्तों तो बहुत ही भद्दा फील होता है और वो अपने आप को क्रिटिसाइज महसूस करती है,
इसके लिए आप बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि आप इसे यूज करो, आप लक्षण देखकर और सिम्टम देखकर यूज करो। थोजा या आप कष्ट कम यूज कर सकते हो, अगर कैसा मस्सा का शेप कैसा है उस तरह से आप देखकर यूज कर सकते हो। तीसरा जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 30 भी आप यूज कर सकते हो। इसका जो मुख्य सिम्टम है दोस्तों इसका है कि मस्सा को कहीं ये हल्का सा ऐसे ऐसे आप अगर टच करके हल्का का उसे खुरेचोगे तो उससे ब्लड निकल आएगा। और इस हल वो सब जो मस्सा मैंने बताया उसको आप कितना भी ऐसे ऐसे करो उससे ब्लड नहीं निकलेगा। इसका जो मुख्य लक्षण है कि हल्का भी इसे खुरेचोगे तो इससे ब्लड निकल आता है। तो इसमें दोस्तों आप नाइट्रिक एसिड 30 यूज करो। इसको इसमें दिन में 3 से 4 बार इसको भी आप यूज कर सकते हो। 2-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लो, टंग पर लो, और ये भी बहुत अच्छा काम करती है उस ब्लड के सिम्टम में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये सबसे बड़ी बात है, आप सिम्टम देखकर जो 3 मेडिसिन मैंने बताया है उसका तीनों का यूज करो। सिम्टम देखकर वो बहुत अच्छा काम करेगी। और जो चौथा मेडिसिन है दोस्तों वह मेडोराइनम। तो मेडोराइनम जो मेडिसिन होती है मेडोराइनम आप 200 यूज करो पोटेंसी का, सप्ताह में 2 से 3 बार आप लो। और ये मस्सा में किसी भी तरह के मस्सा में बहुत अच्छा काम करती है, आप इसे यूज करो। हाँ दोस्तों एक बात सबसे बड़ी बात है, ये जो दवा आप बता रहा हूँ आपको मेडोराइनम, इसको आप किसी भी दवा के साथ मतलब कि जैसे थूजा हो गया, कॉस्टिकम हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, किसी भी दवा के साथ आप इसे साथ में ले सकते हो। ये साथ में चलने वाली दवा है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आप सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैंने आपको 4 से 5 दवाई के बारे में बताया है, आप इसको सिम्टम देखकर यूज करो। और मुझे विश्वास है कि आपने घर या अगल बगल किसी को होगा मस्सा तो आप इसे जरूर उस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन निकाल लोगे और मस्सा रिमूव कर लोगे। फिर आप ऐसा आप नहीं करोगे कि उस पर चूना कोई लगाओगे या कहीं काटोगे उसको। तो दोस्तों आप मेरा ये चैनल जरूर देखेंगे और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके ही सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से और शेयर करने से हम जैसों का विश्वास मतलब कि बढ़ता है और कुछ करने का जागरूकता पैदा होता है और कुछ बताने की जो हम जान रहे हैं उसको हम सही ढंग से, ठीक है अभी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन हो सकता है आगे हम बहुत सही ढंग से कह पाए और जिससे कि समाज में कुछ लोगों को इससे फायदा मिलता है, क्योंकि लोग तो भ्रमित करने में ही लगे रहते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और लाइक करके और वॉच करके मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और शेयर करेंगे, जिससे कि हम आपके लिए कुछ बेटर से बेटर टॉपिक ला सकें और बेटर से बेटर वर्क कर सकें। तो धन्यवाद इसके लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।